Good morning, everyone. Being a teacher, it's a privilege for me to talk about teachers on the occasion of Teacher's Day. A teacher is not just a teacher. A teacher is an awakener, a motivator, an inspiration, a spark, a guide, a dream maker, a candle, and above all, a teacher is a guru. Guru means darkness and Guru means destroyer. A teacher is, of course, a destroyer of darkness. He dispels the darkness of ignorance from our life. Every year, September 5 is celebrated as Teachers' Day, commemorating the birth anniversary of our second president, an exemplary teacher, and a great philosopher, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He dedicated his life for the education and the youth of his country. A teacher is an asset for a student. He takes a hand, opens a mind, and touches a heart. Many teachers have influenced me in my life. They inspired me a lot. They imparted not just knowledge, they imparted good values also. They taught me how to be a good human being. So on this occasion, I bow before all my dear teachers who taught me. Once a great Malayali poet said, "Even a textbook is a hindrance between a teacher and a student." There should not be any hindrance between the teacher and the student. Teaching goes from the heart of a teacher to the heart of a student. But as the situation demands, we are now teaching in a high-tech era. And somehow, teachers are acclimatized to the new way of teaching. Let's hope that soon we will be back to that old way of teaching, which gives us satisfaction. A teacher is not just a teacher inside the physical structure called school. A teacher is a teacher in the school called life. A teacher writes on the blackboard of life, which can never be erased. According to me, every day should be a teacher's day because teachers are with us throughout our life, supporting us, encouraging us, helping us, and praying for us. Happy Teacher's Day to all dear teachers across the world. आदरणीय प्रचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। भारत में शिक्षक दिवस का अपना एक अलग ही महत्व है। इस दिवस पर हम अपने शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत सन 1962 से प्रारंभ हुई। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का देश के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे एक महान दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनके कुछ मित्रों द्वारा छात्रों से उनका जन्मदिन मनाने की बात कही गई। यह सुनकर डॉक्टर कृष्णन ने कहा, मेरा जन्मदिन मनाने की जगह अगर इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। तब से आज तक हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम उन्हें याद करने के साथ सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी गुरु के महत्व को बतलाया गया है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात यहाँ पर गुरु की तुलना ईश्वर से की गई है, उन्हें ईश्वर तुल्य माना गया है। कबीर दास जी ने भी गुरु की महिमा का वर्णन किया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दुयो बताए। अगर गुरु और गोविंद यानी कि ईश्वर दोनों लोग खड़े हो तो हमें पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए? कबीर दास बताते हैं कि हमें सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बतलाता है। अर्थात हम देखते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है।
माता पिता हमें केवल जन्म देते हैं, लेकिन हमारा सर्वांगीण विकास एक शिक्षक ही करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी के साथ मैं रामेश्वर प्रसाद, TGT हिंदी केंद्रीय विद्यालय शिवगंगा, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मेरे प्यारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ढेर सारी दुआएं। प्यारे बच्चों, जब मैं आपके सामने आपको संबोधित कर रही हूँ, तो मुझे मेरे उन सभी टीचर्स की दी हुई सीख मेरे दिल और दिमाग पे जो गहरा असर छोड़ती है, वह सीख मुझे याद आती है और मैं महसूस करती हूँ जब आपके सामने मैं अपने आप को बोलने के योग्य मानती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर कोई चौथी चीज जरूरी है, तो वह है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा ही हमारे उस विपरीत से विपरीत समय में, विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ हमेशा रहेगी, और वह ताकत है शिक्षा जो इंसान को हमेशा चाहिए, जिसकी जरूरत इंसान को हमेशा रहेगी। और एजुकेशन एक ऐसी संपत्ति है जिसको हम ना कभी खोने का डर रखते और ना कभी गुम होने का। एक दोहा मैं आपको बताती हूँ। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। अर्थात सरस्वती के भंडार यानी शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो कभी खर्च नहीं होती, और वह अगर हम किसी दूसरे को देते हैं तो वह बढ़ती जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि हमेशा सीखते रहिए, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाइए, और जहाँ कहीं से भी नॉलेज मिलता है आप प्राप्त कीजिए। क्योंकि विद्या, शिक्षा या एजुकेशन ही ऐसी चीज है जिससे सब कुछ पाया जा सकता है। संस्कृत का एक श्लोक मुझे याद है, विद्या ददाति विनयम्, विद्या ददाति विनयम्, विनयात याति पात्रताम्, पात्रत्वा धनम् आपनोति, धना धनम् ततः सुखम्। अर्थात विद्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य है सुख प्राप्त करना, तो सुख भी किससे मिलेगा, जब हमारे पास विद्या होगी, हमारे पास एजुकेशन होगा। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ आपको। डियर व्यूअर्स, इट्स रियली प्राइड एंड प्रिविलेज फॉर मी as a teacher going to present a speech on the occasion of Teachers Day celebration. Teachers are our heroes. The inherent meaning of this sentence is, teachers are the successful flames evolving out of the burning candle. This is what is my personal view being a teacher in my life. So here I like to recall or make you all to remember the contribution given by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a man who contributed his service or his life towards philosophy, academician, and he gave very good contribution about religion, especially Hinduism. Apart from that, he has been just come out
from the small village, what is called Tiruthani of Andhra Pradesh previously. Now present day, it is Tiruvallur of Tamil Nadu state. He was born in that village and he has finished all his schooling in the government school. After finishing his education, he has done Bachelor of Arts and Master of Arts in Madras Christian College. After his education, he has become Assistant Professor and Professor in various universities like University of Madras, University of Mysore, University of Calcutta, University of Oxford. Everywhere he has just given her contribution as imprint for serving the society. In the later stage, he has become the first Vice President and the second President of India. In the political region also, he has given wonderful contribution towards our nation. So those days, the students, those who are studying under him, they have requested Dr. Sarvepalli Radhakrishnanji, shall we celebrate your birthday as in our college? But it was being accepted by the President of India, who is none other than Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, that day has to be celebrated as Teacher's Day. So, such a valuable person, he has given a lot of moral values to the society. Then one of the values what he has rendered to the society is what? Every other individual should be treated as co-equal and treated to be as an end, not by means. And every human being should be respected as a man, and we should understand his emotions and feelings. With that feeling, if we serve for our society, being a teacher in shaping our nation to create future nation builders, definitely our India will be a well developed country. Jai Hind, Jai Bharat. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्र छात्रों, आज इस शिक्षक दिवस के शुभ मौके पर मैं शुभ्रा अग्रवाल, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका विज्ञान विषय, आप सभी को नमन करती हूँ। सुप्रभात। शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितम्बर को मनाया जाता है। हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सर्वपल्ली वीरा स्वामी और माता सीता माँ थे। उनका बचपन अनेक संघर्षों से परिपूर्ण था। फिर भी पढ़ाई में रुचि होने के कारण उन्होंने अनेक उपाधियां प्राप्त की। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। भारत के ही नहीं अपितु विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में उन्होंने शिक्षण कार्य किया। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्था यूनेस्को के भारतीय प्रतिनिधि मंडल का भी नेतृत्व किया। उसके उपरांत वो यूनेस्को के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष भी चुने गए। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनके योगदान को देखते हुए 1954 में उन्हें भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए भी वे अपने आप को हमेशा शिक्षक ही मानते थे। इसीलिए जब
उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनके छात्र और उनके मित्र उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को सभी शिक्षकों को समर्पित करते हुए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत गर्व होगा। और तभी से 5 सितंबर 1962 से यह दिन प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सिर्फ हमारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होने के अलावा वे एक महान विचारक, दार्शनिक, एक भारतीय संस्कृति के संवाहक, आस्थावान हिंदू विचारक और एक महान शिक्षक थे। उनका मानना था कि शिक्षक ही एक व्यक्ति है जो अपने छात्र की बुराइयों को दूर करके उसे प्रकाश के रास्ते की ओर अग्रसर करता है। शिक्षक एक वह व्यक्ति है जो अपने छात्र की सकारात्मकता को उजागर करके उसे जीवन की अनेक सफलताओं को छूने में मार्गदर्शन देता है। एक छात्र अपने जीवन में जितनी भी सफलताओं को प्राप्त करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक शिक्षक न केवल ज्ञान देता है बल्कि एक अभिभावक के तौर पर भी अपने छात्र को भावनात्मक रूप से भी संबल प्रदान करता है, उसे उसकी व्यक्तित्व को निखारने में उसकी मदद करता है। शिक्षक का योगदान केवल कक्षा के भीतर ही सीमित नहीं है, कक्षा के बाहर भी अनेक व्यक्तिगत, मानसिक और भावनात्मक तौर पर शिक्षक अपने छात्र से जुड़ा होता है। एक शिक्षक ही होता है जो अपने छात्र के सफलताओं पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। जब अपने छात्र को सफलताओं की ऊंचाइयां छूते हुए देखता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता एक शिक्षक को ही होती है। एक शिक्षक केवल वह इंसान नहीं है जो कक्षा में ज्ञान देता है। मेरे विचार से एक शिक्षक हर वह इंसान है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर मार्गदर्शन देता है, उसे उचित सलाह प्रदान करता है। हम जीवन भर एक छात्र की ही भूमिका निभाते हैं। हम बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाएं, हम जीवन के हर अवस्था में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और किसी न किसी मोड़ पर हमें कोई सिखाने वाला होता है। तो मेरे विचार से हर वह व्यक्ति शिक्षक है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उचित सलाह देता है। तो शिक्षक हर वो इंसान है जो हमारा उचित मार्गदर्शन करे, हमें सकारात्मकता की ओर अग्रसर करे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और अंत में यही दोहा कहना चाहती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। धन्यवाद।